मैडम क्या मेरा 150 रुपए किराया दीजिए ना मैडम, दे दीजिए ना मैडम। व्हाइट स्किन बेबी फेस इनोसेंट स्माइल। तुम्हें अपने 150 रुपए चाहिए ना? वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो कहूँगी वो करोगे? क्या करना होगा? कोर्ट रूम में गवाह बन के आना और मैं जो लाइंस कहूंगी उन्हें जज के सामने दोहराना। लेकिन मुझे लाइंस ठीक से याद नहीं रहती। जूनियर्स, लाइंस सिर्फ बोलने वाले को याद रखनी पड़ती है। तुम गूंगे होने की एक्टिंग करोगे, गूंगों को लाइन नहीं बोलनी पड़ती। यू आर जीनियस। जब भी मैं अपने माथे पर ऐसे हाथ रखूं, तुम्हें अपने सर को इस तरह से हाँ में हिलाना है। ओके, अब करके दिखाओ। आपने तो अभी तक हाथ रखा ही नहीं मैडम। आओ। क्या नमूना है, एकदम इनोसेंट। अपने सारे केसेस में हम इसी को अपना झूठा गवाह बनाकर पेश करेंगे। हमारा तो करियर सेट हो जाएगा। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बशुद। कमाल कर दिया तुमने। मिस्टर एन मुखर्जी के खिलाफ एक भी आरोप साबित ना होने की वजह से अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। और आज मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एडवोकेट श्वेता की, जिन्होंने एक गूंगे इंसान की मदद से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। फोन किसका बज रहा है? हाँ त्रिशा। हाँ भैया, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कोर्ट में गूंगे की एक्टिंग कर रहा हूँ। अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? ये क्या किया तुमने? यू स्टूपिड गर्ल, तुमने कोर्ट की तोहिन की है। गेट आउट फ्रॉम द कोर्ट। मुझे नहीं पता था।